हाय एवरीवन, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी ये डिस्कस करता है ट्रिवियल एक्ट। ये एक जनरल एक्सेप्शन है, ये 8th नंबर है। अब से पहले वाले सारे जनरल एक्सेप्शन टिल सेक्शन 94, 76 से लेकर 94 तक हम लोगों ने कवर करा, उनकी इंग्रेडिएंट्स कवर करे, किस लॉज कवर करा। वी आल्सो डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच माइट बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 95। सेक्शन 95 आप समझो, ये कहता है कि एक मैक्सिम लॉ डज नॉट डील विथ ट्रिवियल्स। सर, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग समझाता हूँ आपके सामने। लेट मी ओपन डिक्शनरी। इट मींस ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। लॉ उन चीजों से डील नहीं करता है जिसकी लिटिल वैल्यू हो या छोटी सी इंपॉर्टेंस हो। आप बस में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ते आपको धक्का लग गया, आप कहते हो कि असॉल्ट हुआ है, हर्ट हुआ है आपको। लॉ कहेगा नहीं भाई साहब, दिस इज अ वेरी लिटिल वैल्यू ऑफ वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, एंड अंडर सेक्शन 95 वी डू नॉट डील विद ट्रिविल्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस, पहला, which causes or which is intended to cause or it is known to be likely to cause। तो क्या intention भी है, knowledge भी है, कि any harm which is so slight that no person of ordinary senses and temper would complain of such harm। कि आप intentionally किसी को आप हल्का कुछ ऐसा हार्म पहुंचा रहे हो जो कि कोई रीजनेबल बंदा उसको ऑफ रीजनेबल टेम्पर उस चीज को लेके कंप्लेन नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बस में चढ़ते हुए हल्का धक्का लग गया, इंटेंशन भी है आपके मेट्रो में चढ़ने का, बस में चढ़ने का, नॉलेज भी है कि आपको धक्का देख के ही चढ़ना पड़ेगा। जिसको कहते हैं लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिवियल। अब एक इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप अगर ड्राफ्ट्स पढ़ो ऑफ इंडियन पिनल कोड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स होती हैं, वैसे ही मैकिले ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने जब ये ड्राफ्ट रखा था तो एक एक प्रोविजंस पर कुछ कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशंस उसके लिए थे। तो 95 के भी एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन मैकिले ने दी थी कि दिस सेक्शन दैट इज 95, इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड फॉर दोज केसेस व्हिच दो फ्रॉम द इम्परफेक्शंस ऑफ लैंग्वेज दे फॉल विद इन द लेटर ऑफ पिनल लॉ आर येट नॉट विद इन इट्स स्पिरिट। अब आप समझो, कई सारे ऐसे सेक्शंस आप पढ़ोगे जो कि लैंग्वेज में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया असॉल्ट का, अब धक्का देना भी इट कैन कवर अंडर असॉल्ट। लैंग्वेज में तो कवर हो जा रहा है बट स्पिरिट में नहीं कवर हो रहा। स्पिरिट मतलब एसेंस ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो उन सब चीजों के लिए, ताकि ये सारी छोटी छोटी एक्ट, नॉट सो इम्पोर्टेंट एक्ट, एक पीनल कॉन्सिक्वेंस ना अराइज ले लें बिकॉज ऑफ लेटर ऑफ लॉ, लिटरल लेटर ऑफ लॉ, तो एक सेक्शन 95 मैकिले ने रख दिया। अब एक और एग्जांपल है, मैकिले पुट्स फॉरवर्ड दिस एग्जांपल। वो कहते हैं कि अगर हमारे डेफिनेशंस के हिसाब से हम देखें तो अगर आप अपनी पेन को किसी और के इंक की बॉटल में डिप करते हो तो वो थेफ्ट होगा। तो उस चीजों से बचने के लिए, ताकि आप इन छोटी छोटी चीजों को पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ना बना दो, तो सेक्शन 95 एग्जिस्ट करता है। अब हार्म का मीनिंग क्या है अंडर सेक्शन 95? सेक्शन 95 के अंदर हार्म का मतलब है हर, आप देखो इंडियन पीनल कोड में हर प्रोविजन के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग है हार्म का। हार्म का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, हर सेक्शन के हिसाब से बदलता है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेज। जैसे 81, 87 से 89, 91, 92, इन सारे में हार्म मींस फिजिकल इंजरी। 93 में हार्म मींस इंजूरियस टू मेंटल रिएक्शन। 415 इंडियन पिनल कोड में आप देखोगे इंजरी टू अ पर्सन इन बॉडी माइंड रेप्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हार्म का मतलब अलग अलग है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आपको यूजेज हर्ट का। अब आप देखो, अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ केस लॉ है,
ऑफ मिस विदा मेंजेस वर्सेस यूसुफ खान, ये 1996 सुप्रीम कोर्ट, आपको 1996 सुप्रीम कोर्ट 1773 इसकी साइटेशन है। तो ये है यूसुफ खान एक रेंट के घर में रहता था। नाउ रॉबर्ट सर्वेंट ऑफ मिसेस मेनेस, अब मैं आपको सारे फैक्ट्स इसकी क्लियर करता हूँ कि यूसुफ खान वाज अ टेनेंट टू मिस्टर मेनेस। मिस्टर मेनेस है वो लैंडलॉर्ड है और यूसुफ खान उनके टेनेंट है। नाउ रॉबर्ट एक जो सर्वेंट है मिसेस मेनेस का, वो एक थप्पड़ मारता है यूसुफ खान को क्योंकि उसने इसके वाइफ को चोर बोला था। अब इसमें यूसुफ खान एक फाइल फेंकता है जो गलती से मिसेस मेनेस को लग जाती है। तो ये सारी चीजें अब रिवॉल्व होती हैं और मिसेस मेनेस है ये इसको कोर्ट में लेके जाती हैं। तो कोर्ट फाइनली हेल्ड करती है कि ये बहुत छोटी सी बात है, ट्रिवियल एक्ट है, फाइल फेंक के मारना किसी को, आप फाइल आपने फेंक ही कहीं और गलती से लग गया आपको, तो वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 95। तो ये था ऑल ऑन सेक्शन 95 ऑफ इंडियन पिनल कोड।